हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा अयोध्या उपाध्याय विरोध चल रहा था, इसी का चल रहा था हमारा पवन भूति प्रसंग, जो उनके प्रिय प्रवास महाकाव्य से किया गया था, जिसमें बिराड़ी राधा अपने प्रियतम कृष्ण को संदेश भेजती है और संदेश वाहक किसे बनाया है, पवन को बनाया है, हवा को बनाया है, यानी पवन के माध्यम से अपना संदेश भेजती है। किसको भेजती है? अपने जो प्रियतम कृष्ण है, और वो हवा को बार बार समझाती है, बार बार यह बात कहती है कि भाई पवन तुम धीरे से जाना और धीरे से जाकर के मेरे प्रियतम को खोजना और जाकर के मेरा संदेश तुम पहुंचा देना कि तुम्हारे विरह में, तुम्हारे बिछड़ने से जो तुम्हारी प्रेम का राधा है उसका बहुत बुरा हाल है। और उसके बाद में कहती है कि तुम जब मथुरा पहुंच जाओ तो मथुरा में बहुत सारे लोग मिलेंगे, कृष्ण की जैसी ही वेशभूषा वाले अनेक लोग मिलेंगे, तो बताओ तुम उनमें से मेरे प्रियतम कृष्ण को किस प्रकार पहचानोगी। तो वो अनेक प्रकार से उनका पहचानने का माध्यम बता रही है कि किस प्रकार से वो दिखाई देंगे, कैसे होंगे, तो उनको तुम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, और इस प्रकार से अगर कहीं कोई नजर आए तो समझ लेना यही मेरे प्रियतम है, यही मेरे आराध्य है, और उनको जा करके मेरी विरह वेदना सुना देना। तो देखो पहला पद है इसमें, अभी बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, कोई होगा ना कह सकता बात दुर्व्रतता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। कितना बढ़िया पद दिया है कि देखो मेरे प्रियतम को तुम्हें कैसे पहचानना है, किस प्रकार तुम पहचान पाओगे कि यही मेरे प्रियतम कृष्ण है। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, यानी मेरे प्रियतम कृष्ण जहां पर बैठे होंगे, जिस स्थान पर बैठे होंगे, बैठे होंगे निकट जितने, यानी उनके निकट माने पास में जितने भी लोग बैठे होंगे, यानी उनके पास में जितने भी उनके अनुचर होंगे, जितने भी उनके साथी होंगे, वो उनके पास बैठे होंगे, लेकिन वो कैसे बैठे होंगे, शांत और शिष्ट होंगे, वो सभी शांत और माने और शिष्ट, शिष्ट माने नम्रता की भाषा में, यानी वो शिष्टता का व्यवहार कर रहे होंगे, अभद्रता का व्यवहार नहीं कर रहे होंगे, बड़ी नपी तुली भाषा बोल रहे होंगे, साफ सुथरी भाषा बोल रहे होंगे, यानी मेरे प्रियतम के निकट जितने भी लोग होंगे वो शांत और शिष्ट होंगे, यानी उनमें अभद्रता का कोई नाम नहीं होगा, शिष्ट पुरुष होंगे, भद्र पुरुष होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे। मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, और जितने ही लोग होंगे सभी लोग अपने मर्यादा का प्रति पुरुष, यानी प्रत्येक पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही ध्यान रख रहे होंगे, अर्थात वो मर्यादा से हीन नहीं हो रहे होंगे, सब मर्यादा के अनुसार आचरण कर रहे होंगे, यानी मर्यादा का प्रति पुरुष माने प्रत्येक पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही ध्यान रख रहे होंगे, यानी वो मर्यादा को लांग नहीं रहे होंगे, वो अपनी सीमा में रहकर, अपने दायरे में रहकर वो श्री कृष्ण से बातें कर रहे होंगे, अनर्गल प्रलाप नहीं कर रहे होंगे, फालतू की बातें नहीं कर रहे होंगे। कोई होगा ना कह सकता बात दुर्वत्ता की, कोई ना होगा यानी उन लोगों में से जो मेरे प्रियतम के निकट बैठे हैं, पास बैठे हैं, उनमें कोई होगा ना कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता बात दुर्वत्ता की, यानी जो दुर्वत्ता माने दुर्बलता, कमजोरी की, फालतू की, यानी बेकार की, निस्सार की बातें कोई नहीं कह रहा होगा, सभी अच्छी बातें कर रहे होंगे, काम की बातें कर रहे होंगे, किसी प्रकार की उनके अंदर कमजोरी नहीं होगी, वो सभी लोग अपना अपना कार्य सही प्रकार से कर रहे होंगे। पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा, वो अनर्गल प्रलाप ना करने का कारण है कि पूरा पूरा प्रति हृदय, यानी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में श्याम माने श्री कृष्ण का आतंक होगा, माने भय होगा, यानी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण का आतंक होगा, भय समाया होगा, कोई भी बेखौफ नहीं होगा, सब कृष्ण की भय से, डर से अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे, और एक नपी तुली साफ सुथरी भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे, तो समझ जाना वही मेरे प्रियतम कौन है, कृष्ण है, उनको मेरा संदेश पहुंचाना। आगे क्या करेंगे देखो, अगला वाला पद फिर से दिया इसने, और तुम्हें मेरे प्रियतम को किस प्रकार पहचानना है, प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैली जाती हृदय तल में हर्ष की बेल होगी,
देते होंगे प्रतिथ गुण में देख सक दृष्टि द्वारा लोहा को चुकलित कर स्वर्ण होंगे बनाते। यदि इतने पर भी पहचान ना पड़े तुम्हें, पवन से कह रही है, राधा हवा से कह रही है, यदि इतने पर भी तुम मेरे प्रियतम को ना पहचान पाओ तो अगली पहचान और बताती हूँ। क्या बता रही? देखो, प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, यानी जितने भी लोग वहां पर बैठे होंगे, जितने भी उनके मित्र होंगे, सखा होंगे, उनके अनुचर होंगे, उनसे जो श्याम माने कृष्ण है वो कैसे वचन बोले होंगे? प्यारे प्यारे वचन, यानी मीठी मीठी वाणी में बोले होंगे, प्रेम भरे वचन उनसे बोल रहे होंगे, सद दृष्टि से उन्हें देख रहे होंगे, उन्हें प्रेम भरे बातें कर रहे होंगे। फैली जाती हृदय तल में हर्ष की बेल होगी, और फैली जाती यानी फैल जाती होगी हृदय तल में, हृदय तल में मानव के हृदय में अंतरात्मा में हर्ष की बेल होगी, सभी लोग हर्ष से रह रहे होंगे, हर्ष की बेल फैल रही है अर्थात प्रेम की बेल, यानी सभी लोग खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे होंगे, उन्हें किसी प्रकार का कोई अभाव, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं खल रही होगी, सब लोग अपना जीवन सुख में व्यतीत कर रहे होंगे। देते होंगे प्रतिथ गुण में देख सद दृष्टि द्वारा, देते होंगे यानी वो देते होंगे यानी प्रदान कर रहे होंगे, प्रतिथ गुण माने प्रसिद्ध गुण, प्रतिथ माने प्रसिद्ध गुण, देख सद दृष्टि द्वारा, देख करके सद दृष्टि अच्छी दृष्टि, सद माने अच्छी दृष्टि माने नजर, यानी सबको वो अच्छी नजरों से देख रहे होंगे, और अपने अंदर जो प्रसिद्ध गुण है, उनके अंदर जो अच्छे विचार हैं, उनके अंदर जो अच्छे हाव भाव हैं, उन सबको वो दूसरों को भी प्रदान कर रहे होंगे, उनको ऐसा ही वो बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। कैसे? देखो, लोहा को छू कलित कर स्वर्ण होंगे बनाते, लोहा को माने लोहे को छू करके कलित कर स्वर्ण, कलित माने एक प्रकार जो पारस पत्थर होता है वो क्या बना देता है? स्वर्ण माने सोना। जैसे लोहे को अगर पारस पत्थर से स्पर्श करा दिया जाए, या पारस पत्थर का स्पर्श लोहे से करा दिया जाए, तो लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। देखो, जैसे लोहा को छू करके कलित माने क्या? पारस पत्थर क्या बना देता है? स्वर्ण बना देता है, सोना बना देता है। जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहे को भी क्या बना देता है? सोना बना देता है, उसे कीमती धातु बना देता है, उसे गुणवान बना देता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियतम कृष्ण के पास जितने भी लोग बैठे होंगे वो बल ही किसके समान हो? लोहे के समान हो, उनमें जितने गुण होने चाहिए उतने गुण ना हो, वो बल ही गुणहीन हो, लेकिन जैसे ही मेरे प्रियतम के पास वो बैठे हैं, उनके साथ में रहने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से, उनका संबल मिलने से, सहारा मिलने से, वो भी क्या बन गए होंगे? स्वर्ण के समान बनने गए होंगे। अर्थात मेरे प्रियतम किसके समान है? पारस पत्थर के समान, और उनके पास में बैठे हुए लोग किसके समान है? लोहे के समान, और जब लोहे से स्पर्श किसका होता है? पारस पत्थर का, तो वो क्या बन जाता है? सोना। उसी प्रकार से मेरे प्रियतम के साथ में रहने से जो और लोग हैं, और जो जन हैं, जो मथुरा वासी हैं, वो सब सोने के समान बन गए होंगे, अर्थात सब लोग गुणवान बन गए होंगे, तो पहचान लेना यही मेरे कौन है प्रियतम है। फिर से अगली पहचान का बता रहा है, इतने में अगर तुम ना समझो तो फिर से राधा बोल रही है। क्या बोल रहे राधा? देखो, सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में जो थोड़ी सी तन तपन हो शिप्त होके मिटाना, निर्धूली हो सरस रस से पुष्प की लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बढ़े। आगे क्या करना है? पवन से कह रही है राधा, सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में, सीधे जाके यानी तुम्हें सीधे जाना है, और सीधे जाने के बाद तुम्हें करना क्या है? प्रथम ग्रह के यानी प्रथम बार जब तुम ग्रह माने घर में प्रवेश करो, जिस घर में श्री कृष्ण जी रहते हैं, मंजू उद्यान नहीं, यानी मंजू माने अच्छा कोमल, जो मनोहारी हो, उद्यान माने बगीचा, यानी उस उद्यान में से होकर के उनके घर में प्रवेश करना, उनके निवास स्थान पर जाना, जिस महल में वो बैठे हुए हो, सो रहे हो, यानी जब तुम उद्यान से होकर जाओगी, किसी बगीचे से होकर जाओगी, तो निश्चित ही तुम्हारी जो हवा है वो हवा सुगंधित हो जाएगी, और फिर तुम उस उद्यान में प्रवेश, उद्यान से होकर के उन श्री कृष्ण के पास में प्रवेश कर जाना।
जो थोड़ी सी तन तपन हो सिद्ध होके मिटाना। यदि जो माने जो थोड़ी सी माने थोड़ी सी भी तन माने शरीर में, तपन माने गर्मी हो उष्मा हो तो सिद्ध होके मिटाना, यानी सिक्त यानी उनका स्पर्श करना। अगर मेरे प्रियतम को किसी प्रकार से शरीर में कोई गर्मी हो, कोई तपन हो, किसी प्रकार से वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो, तो धीरे धीरे जाकर के उनके तन माने शरीर का क्या करना, स्पर्श करना। यानी तन का ताप, तन का जो दर्द है, शरीर का जो भी पीड़ा है, उसे तुम सिद्ध होकर मिटाना, आराम से रहना, तो उनकी वो जो गर्मी है, जो उष्मा है, जो उनकी विशेष प्रकार से बेचैनी है, उसको तुम मिटा देना। निर्दूली हो, सरस रज से पुष्प की लिप्त होना, तुम निर्दूली, निर्दूली माने होता है बिना धूल के, धूल माने धूल और निर्दूली माने बिना धूल के। तुम ऐसे नहीं कोई तेज रूप धारण कर लो और तुम्हारे साथ में धूल भी उड़ती चली जाए, तुम्हें कैसे जाना है, निर्दूली होकर के यानी बिना धूल के धीरे धीरे जाना। सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, सरस माने कोमल रसयुक्त, रज से, रज से माने जो रज है जो धूल के कण है, पुष्प के लिप्त होना और पुष्प माने फूलों से भी लिप्त होकर के जाना, स्पर्श करते हुए जाना। यानी अगर रज भी है धूल भी है तो वो भी कैसे होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हल्की भारी, और पुष्प के लिप्त होना और पुष्पों के साथ में गमन करना, पुष्प लेते हुए जाना। पीछे जाना प्रिय सदन में स्नेहिता से बड़े ही, तो देखो कुछ ऐसे नहीं कि मैन दरवाजे से प्रवेश नहीं करना है, पीछे जाना यानी उनके सदन के, उनके निवास के पीछे से जाना। प्रिय सदन यानी जहां पर मेरे प्रियतम जिस सदन माने घर में रहते हैं, जिस महल में रहते हैं, उसमें तुम पीछे से प्रवेश करना, खिड़कियों से प्रवेश करना, स्निग्धता से, कोमलता से, नाजुकता से धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करना। और क्या करना, देखो जो प्यारे के निकट बजती दीन हो मंजुता से, के वहां कोई मरद मुंडली आदि को बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, हुने पावे ना स्वर लहरी अल्प भीतों पे पन्ना। अब देखो तुम मेरे पास में जब श्री कृष्ण के पास में पहुंचोगी तो क्या करना, तुम देखो जो प्यारे के निकट बजती दीन हो मंजुता से, जो माने जो प्यारे माने मेरे प्रियतम कृष्ण के निकट माने पास में बजती बीन हो, यानी कोई बीन बज रहा बजा रहा हो, मंदता माने कोमलता से धीरे धीरे स्वर लहरी में कोई बीन बजा रहा हो तो क्या करना, केवा या फिर कोई मुरज मुरली आदि को है बजाता, या कोई मुरज माने एक प्रकार से नाचुकता से धीरे धीरे मुरली आदि को बजा रहा है, या कोई बीन बज रही है, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या फिर कोई मधुर स्वर में मीठी वाणी में कोई गायकों की मंडली बैठी है, बहुत सारे गायक बैठे हैं और वो गा रहे हैं, तो क्या करना, होने पावे ना स्वर लहरी अब बीतों में पन्ना, तो तुम वहां धीरे से जाना, कोई बीन बजा रहा है या कोई मुरली बजा रहा है या मधुर स्वर में मंडली गा रही है, यानी गायकों की मंडली है जो गा रहे हैं, तो तुम वहां विकराल रूप धारण मत करना, आंधी का रूप धारण मत करना, तुम होना पावे ना स्वर लहरी यानी उनकी जो स्वर लहरी है उसमें अल्प माने थोड़ी सी भी विपन्ना, विपन्ना माने बाधा, यानी उनके अंदर किसी प्रकार कोई बाधा मत पहुंचाना, कोई श्री कृष्ण के निकट मेरे प्रिय सब के पास में कोई भीन बजा रहा हो, या कोई मुरली बजा रहा हो, या कोई गायकों की मंडली बैठी हो, तो वहां पर धीरे से प्रवेश करना कि होना पावे ना यानी नहीं हो पाए स्वर लहरी, यानी इनकी जो स्वर लहरी है बीन की मुरली की और मंडली की गायकों की मंडली की, अल्प माने थोड़ी सी भी विपन्ना ना हो, थोड़ी सी भी बाधा ना पड़े, ऐसे तुम मेरे प्रियतम के निवास पर प्रियतम के महलों में पहुंच जाना और वहां जाकर के मेरी मेरे बच्चा का वर्णन करना। धन्यवाद बच्चों, कल पढ़ेंगे आप।